क्या सोचा था और कैसे क्या हो गया। पुणे टेस्ट मैच पे भी टीम इंडिया ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया और पहली पारी में 156 रनों के मामूली से स्कोर पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। जी हाँ, पुणे टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया ऑल आउट हो चुकी है। 156 के स्कोर पर भारतीय शेर ढेर हो गए। क्या कप्तान साहब रोहित शर्मा, क्या उप कप्तान जसप्रीत बुमराह, हालांकि बुमराह तो गेंदबाज हैं, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सरफराज खान जिनको केएल राहुल की जगह पर टीम में शामिल किया गया था, यशस्वी जायसवाल प्लेइंग 11 में कमबैक करने वाले, शुभमन गिल, एक भी खिलाड़ी 50 का स्कोर तक नहीं छुपाया और टीम इंडिया ने वाकई में डिसअपॉइंट किया। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया को 8 विकेट से मिली हार का सामना करना पड़ा था। अपने घरेलू समर्थकों के सामने 36 साल के बाद ऐसा हुआ जब कीवी टीम ने भारत को भारत में हराया और अब ऐसा लग रहा है कि इतिहास बदलने वाला है। कीवी टीम, न्यूजीलैंड की टीम भारत को पुणे टेस्ट में भी हराएगी और शायद सीरीज भी अपने नाम कर ले, हरा सकती है क्योंकि अभी तक टीम इंडिया बिल्कुल जूझती हुई नजर आ रही है। गेंदबाजी वहां पर स्ट्रगल किया, बल्लेबाजी वहां पर स्ट्रगल किया, अब इतनी खराब परफॉर्मेंस के साथ पुणे टेस्ट जीते तो जीते कैसे। हालांकि अगर पहली पारी की बात करें, न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज मिचेल सैंटनर ने 7 विकेट चटकाए। जी हाँ, भारतीय टीम मिचेल सैंटनर के आगे बेबस नजर आई, उन्होंने केवल 53 रन देकर 7 विकेट अपने नाम किए। टीम इंडिया की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 30, कप्तान रोहित शर्मा खाता तक नहीं खुला, 0 के स्कोर पर आउट हुए, शुभमन गिल वापसी कर रहे थे, 72 गेंदों में 30 का योगदान दिया, विराट कोहली एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया, 9 गेंदों में 1 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की बॉल पर बोल्ड हो गए। विराट कोहली की अगर डिस्मिसल की बात करें तो लो फुल टॉस गेंद थी, विराट कोहली स्वीप करना चाहते थे लेकिन थोड़ी उलझन में रहे कि स्वीप करें या छोड़ दें और इस चक्कर में, इस गश्मोकश में अपना विकेट गवा बैठे, बोल्ड हुए। ऋषभ पंत पिछले मैच में शानदार पारी खेली थी लेकिन इस मैच में 19 गेंदों में 18, सरफराज खान 150 इन्होंने बेंगलोर टेस्ट की दूसरी पारी में बनाए थे, इस मैच में 11 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा के बल्ले से थोड़ी आक्रामक पारी देखने को मिली लेकिन 38 पर उनकी पारी पर भी ब्रेक लग गया। 53 रन देकर 7 विकेट, पहली बार टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में मिचेल सैंटनर ने पंजा खोला है। पहला मैच खेलने का मौका नहीं मिला था लेकिन इस मैच में दिखा दिया कि इस तरीके की विकेट अगर आप बनाएंगे तो फेवर हमारे को भी, हमको भी मिलेगा। भाई हमेशा बात हो रही थी कि लगातार ये बातें हो रही थी कि पुणे टेस्ट में ब्लैक सोलिंग विकेट होगी, स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला होगा, लेकिन हम ये क्यों भूल जा रहे थे कि कीवी टीम के पास भी क्वालिटी स्पिन गेंदबाज है। मिचेल सैंटनर ने 2 विकेट तो ग्लेन फिलिप भी ले गए जिन्होंने हमेशा टीम इंडिया को परेशान किया है, इस मैच में परेशान करते हुए नजर आए। एजाज पटेल का तो खैर मौका ही नहीं लगा लेकिन 7 विकेट सेंटर, 2 विकेट ग्लेन फिलिप, टीम इंडिया वाकई में बेबस नजर आई। अब यहां से प्लानिंग क्या हो सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड को मिली है 103 रनों की बहुमूल्य बढ़त। अभी भी मैच में काफी समय बाकी, आज दूसरा ही दिन है और टीम इंडिया दूसरे दिन के दूसरे सेशन में ऑल आउट हो जाती है। अभी बहुत गेम बचा हुआ है, यहां से टीम इंडिया को अगर मैच जीतना है तो कीवी टीम को फटाफट से ऑल आउट करना पड़ेगा। कम से कम 180 या 200 के स्कोर पर ऑल आउट करो, मैं तो कहूंगा पहले ऑल आउट करो और ये मुकाबला जीतो। टीम इंडिया के लिए मैच इतना आसान होने वाला नहीं है जितना देखने में लग रहा है। अभी तक आप टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं और पहली पारी में कौन सा बल्लेबाज रहा जिसने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और क्या टीम इंडिया यहां से मैच निकाल पाएगी ये भी बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।